वेलकम टू माय चैनल पॉइंट 91। यदि आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम स्टडी करेंगे NPCIL के प्रीवियसर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ की रावत भाटा राजस्थान साइड स्टेप इन ट्रेनिंग ऑपरेटर, ठीक है। आपको टोटल 60 मिनट मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपका ये यहाँ देख लेते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स है, सेकंड पार्ट साइंस है एंड थर्ड पार्ट जनरल अवेयरनेस है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, टोटल कितने हैं 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत करते हो तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ठीक है, और इसके कितने 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 1204 द्वारा बनाई गई 4 अंक की न्यूनतम संख्या क्या है, 4 अंक की न्यूनतम संख्या क्या है। तो ये पहला ऑप्शन क्या कहता है, 1204, दूसरा 0124, तीसरा 1004 एंड चौथा क्या कहता है, 1042। न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है तो 1024 सबसे छोटी, फिर 1000 उससे बड़ी, फिर 1204 उससे बड़ी, और ये यहाँ 0124 आ गया, 0 इंक्लूड हो गया तो 3 अंकी हो गई है, इसको नहीं करेंगे। सबसे छोटी हमें क्या मिल रही है, 1024। तो पहला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन आता है, जैसे ये देख लीजिए। 1/3 का परसेंटेज निकालना, तो कैसे करेंगे, 1/3 का हम 100 कर देते हैं, डिवाइड करेंगे 3.3333 आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6400 अनुपाते 800 का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है, किस रेशियो में आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6400 ये हो गया, अनुपाते 800 हो गया, ये 0 0 ये क्रॉस हो जाएगा, 8 से एक बार जाएगा और 8 से ये 8 बार गया, तो कितना आ जाएगा, 8:1। सिंपल करना, क्रॉस कर देना 0 0, ये कट रहेगा, कितना 8:1, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में परिध ज्ञात कीजिए, परिध बोलना मतलब परिमाप, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का ए का स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल दिया, कितना दिया, 529 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो हाँ ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 23 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, एक वैल्यू 23 आ जाएगी। अब परिमाप का फॉर्म लगा देते, परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप इक्वल टू होता है 4a, तो ये ए की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, कितना 23, तो कितना आ जाएगा 92, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 92, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो याद रखिएगा हम ये क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल याद रखना चाहिए, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर एंड परिमाप क्या होता है, 4a परिमाप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि a प्लस बी 11 है और a माइनस बी 5 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, कितना जो 11 दिया हुआ, और ए माइनस बी की वैल्यू कितना जो 5 दिया हुआ है, इंटू कर देंगे क्या होगा 55, कितना हो जाएगा 55। तो सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 55। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्या कहता है कि संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 की संख्या को न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 675 को संपूर्ण घन बनाना है तो किस संख्या से गुणा करेंगे, तो हम ऑप्शन चलते हैं। हम अगर 675 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या संपूर्ण घन बन जाएगा, चलिए गुणा करके देखते हैं। देखो 675 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 25 आता है। ठीक है, उसी तरह हम 675 को हम किससे गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3375। ठीक है, अब 675 को उसी तरह हम 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4725। और अब 675 को हम किससे गुणा करेंगे 9 से, तो क्या होगा 6025 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, देखने लायक है कि पाँच पाँच सब में कॉमन है चारों में, तो यह है कि ये 5 का ही क्यूब बनेगा। तो अगर 5 का 5 का क्यूब कितना होता है 125, अगर जब 15 का क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा 3375। तो जब हम 15 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा 3375। या तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो संख्या मिनिमम संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप सब ऑप्शन से गुणा करके देखिएगा, फिर उसको क्यूब निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप नए स्टूडेंट हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पॉइंट 91, चलिए 25 में से 72 छात्र गणित में अच्छे हैं, कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। तो टोटल कितने छात्र हैं हमारे पास 25 हैं, 72% छात्र गणित में अच्छे हैं, तो 25 का 72% निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कट कर जाएगा, ये 4 एक बार जाएगा और ये हो जाएगा 8 बार। तो कितने जो 18 स्टूडेंट हैं वो गणित में अच्छे हैं, तो कितने अच्छे नहीं हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25 है, तो 25 में से हम 18 माइनस कर देंगे तो कितने 7 आ जाएगा। तो हमें जो 7 स्टूडेंट हैं वो गणित में अच्छे नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है 92.53 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो क्या होगा डिवाइड कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा दशमलव, तो एक अंक पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.253। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे और आपको एग्जाम में आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप जो आप अपने कॉलेज में ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कॉलेज में पढ़े हैं वही चीज़ आएगा, कुछ नया नहीं आता। चलिए दी गई श्रृंखला के आगे क्या संख्या आएगी, दी गई श्रृंखला के आगे क्या संख्या आएगी, कैसे सोल्व करेंगे, इसे 2 है 1, 1/2, 1/4। देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, हाफ हो रहा है, इसका हाफ करेंगे तो 1 आएगा, इसका हाफ करेंगे 1/2 आएगा, फिर इसका 1 का हाफ करेंगे तो 1/4 आया, तो सिंपल 1 का हाफ करेंगे 1/2 का तो कितना जाएगा 1/8। तो यहाँ पे हाफ करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, तो क्या 1/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं, लॉग 10 का 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको इसका हम इस तरह लिख सकते हैं लॉग 10 और 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये आपका जो 4 आता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्या कहता है 0.00064 का घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना हो तो क्या हो जाएगा इसका घनमूल, तो इसका घनमूल हो जाता है अगर हम 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतनी ये वैल्यू आ जाती है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.04। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पॉइंट 91, और मैं सारे प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं NPCIL के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy का मान क्या है, तो मान क्या है और वैल्यू क्या, x माइनस y क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आप फॉर्मूला याद रखिएगा,
क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, एक्स थ्री माइनस बाई थ्री, फिर हो जाएगा एक्स माइनस बाई का क्यू प्लस थ्री एक्स बाई और एक्स माइनस वाई, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वन का क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री एक्स वाई इंटू वन, तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई इक्वल टू वन, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई हो गया इक्वल टू वन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वन। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक्स माइनस वाई पावर थ्री प्लस थ्री एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। ये 100 अंडर रूट 100 है प्लस अंडर रूट 49 है, ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे 10 आएगा, इसका आएगा 7, ऐड कर देंगे कितना आएगा 17 आएगा। तब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, 17 टर्म में नहीं दिया हुआ है, तो किस फॉर्म में दिया हुआ, 17 का अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 289, तो ये इस टर्म में दिया हुआ है, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे 17 आएगा। तो याद रखिएगा अपना आंसर जो ऑप्शन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ये 289। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 माइनस 96 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो कट कर देंगे, दो बार जाएगा और क्या हो जाएगा 4 बार चला जाएगा, 4 चौका 16। अब 200 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा, आ जाएगा 176 आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, 1.33 इंटू 1.33 प्लस 0.67 इंटू 0.67 प्लस 1.33 इंटू 0.67 इंटू 2, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक हुआ और ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर 1.33 और बी बराबर मान लेते हैं 0.67, तो इस हम फॉर्मूले तो ये हमको दिया हुआ है ये इस फॉर्म में, तो इस वैल्यू पुट कर देंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1.33 प्लस 0.67 का स्क्वायर कर देंगे, ऐड करेंगे 2 आएगा क्या 4 आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए 3/5, तो कोस ए की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमें दिया क्या है, साइन ए बराबर क्या हो दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3a/5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये लंब दिया हुआ हमारे पास और ये कर्ण दिया हुआ है, तो कोस ए क्या होता है हमारे पास, कोस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो हमें आधार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, आधार हमें निकालना है, लंब दिया 3, 3 का स्क्वायर करें 9 आ जाएगा, अब हम
25 में से 9 माइनस कर देंगे, 25 नाइन्स माइनस करेंगे कितना जाएगा हमारे पास, आधार केस कितना जाएगा, आधार 16, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 4। तो अब निकाल लेते हैं, लिख देते कॉस ए हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5 आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर क्या कहता है, 8³ इंटू 8² इंटू 8⁻¹। ठीक है, अब यहाँ आप देखने वाली चीज़ है कि ये देखो इनकी बेस सेम है, बेस तीनों क्या सेम है, क्या है 8³ इंटू 8² इंटू 8⁵। जब बेस सेम रहती है तो पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, ये इसको ऐड कर दिए तो ये हो गया 5 इंटू ये माइनस घटा देते क्या 8⁰, और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 5⁻m ये डिवाइड में है तो 5⁻³ हो जाएगा इक्वल टू 5⁵, जो डिवाइड में ऊपर जाएगा तो इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा इंटू 5⁻³ हो जाएगा इक्वल टू 5⁵। अब बेस सेम है तो हम सीधे पावर को ले लेते हैं, तो इंटू में पावर प्लस में हो जाएगी, प्लस 3⁵, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, 0.91 और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कहता है कि 84/0 संख्या 11 द्वारा पूर्ण विभाज होगी, अंक बाई खोजे, मतलब कौन सी ये यहाँ पर कौन सी संख्या रखें बाई के पास कि जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप सिंपली आप क्या आपको क्या करना है, जैसे 84 4 और 0 2 1, तो यहाँ बाई की जगह क्या रखेंगे, अगर हम 4 रखते हैं बाई की जगह हम 4 रखते हैं तो फिर इसको हम क्या 11 से डिवाइड करेंगे, जब 11 से डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये आ जाता है 76729.11 आता है, अब जब रख के प्रैक्टिस देखोगे तो ऐसा आता है। तो जब हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर 4 रखे तो डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है, उसके बाद हम 8 रखेंगे उसके बाद ही डिवाइड नहीं होगी, इसी तरह हम इसमें 6 रखते हैं 0 2 1 और इसको हम 11 डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः डिवीज कट जाती है, कितना आता है 691 डिवाइड होके आती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें जो वैल्यू दी है इसको इसमें बाई की जगह रखना है और उसको डिवाइड करना है, जिससे पूरी तरह कट जाए वो आपका आंसर होगा, तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब ये स्टूडेंट ये मैथ के जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये मैथ के 20 क्वेश्चन, अब अगला पार्ट क्या बोलता है साइंस, पार्ट टू साइंस है, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे जैसा कि आपने ऊपर देखा था। चलिए ये साइंस के क्वेश्चन है और ज़्यादा इजी ज़्यादा टफ नहीं है साइंस के क्वेश्चन भी, तो चलिए देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन साइंस से क्या बोलता है, आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। ठीक है, आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन, डी नाइट्रोजन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए
हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान कीजिए। मूलभूत मापदंड तो क्या मतलब, फंडामेंटल पैरामीटर्स, ये फंडामेंटल की बात कर रहा है। तो कौन से हैं, वेट, फंडामेंटल यूनिट कौन है, वेट, फोर्स, टाइम, डेंसिटी। तो कौन से फंडामेंटल यूनिट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी टाइम। सी टाइम, इसी टाइप की जी क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियो देख लीजिए, और जितने भी मैं मॉडल पेपर लाऊंगा आप उनको भी देख लीजिए, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। प्रकाश वर्ष मापने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष मापने के लिए उपयोग किया जाता है, टेम्परेचर का, प्रकाश तीव्रता का, समय का, दूरी का। तो प्रकाश वर्ष मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दूरी का, किसका, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, सामान्य नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, आप सभी जानते हो सामान्य नमक जो हम खाते हैं क्या है, बी यानी Cl, क्या है यानी Cl, ये सामान्य नमक का फॉर्मूला होता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पॉइंट 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में कौन सा अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, समतल दर्पण में कौन से अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, ए एफ जी डी। तो जब हम किसी भी चीज़ को दर्पण के सामने रखते हैं तो वो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे अगर हम एफ को रखेंगे ऐसा तो एफ कैसे बन जाएगा, ये एफ ऐसा बन जाएगा, डी को अगर ऐसा रखते हैं तो डी कैसा बन जाएगा, ऐसा। पर एच को अगर रखते हैं तो एच कैसे टर्न होगा, टर्न होकर भी वो ऐसे ही दिखेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने के लिए आमतौर पर गैस का उपयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए आमतौर पर गैस का उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते हो हर एक जगह रखा रहता है ये, डी CO2। किसका यूज करते हैं, आम तौर पर आग बुझाने के लिए CO2 का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे सही विकल्प का चयन करें, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, तापमान कम होता है, तापमान अधिक होता है, क्या होता है, वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहाँ पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के माप की इकाई क्या है, बल के माप की इकाई क्या है, वाट, जूल, न्यूटन, क्यूरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी न्यूटन। क्या है, बल की माप की इकाई क्या है, न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में है, सामान्य मानव की आँख के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में है, कितने सेंटीमीटर में है, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी 25 सेंटीमीटर, कितना है, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना है, पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की बात कर रहा है, ग्रेविटी की बात कर रहा है, कितना है पृथ्वी सतह ग्रेविटी, सी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या है, सी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आज हम 30 क्वेश्चन ही लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल पे आप ज़रूर बने रहिएगा पॉइंट 91, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं जितने भी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, उनके सारे क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।